नमस्कार, शिवपाल सिंह यादव पहुँचे हैं करहल। करहल में पहुँचे हैं शैलेंद्र जैन अहिंसा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँचे, और शिवपाल सिंह यादव ने शोक संवेदना व्यक्त करके उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि शैलेंद्र जैन रपरिया हमारे साथी थे, उनके जाने से गहरा झटका लगा है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शिवपाल सिंह यादव राजनीति के मजे खिलाड़ी, जब इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं और उनसे राजनीतिक सवाल ना हो तो निश्चित तौर से यह बेमानी साबित होता है। चाचा भतीजे के एक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी सूचना मीडिया को दूंगा और बहुत जल्द बुलाकर इसका जवाब दूंगा। गुंडागर्दी है इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनाए गए, चाहे कोई हो। इस मौके पर नीरज जैन, राहुल जैन, प्रवास जैन, धर्मेंद्र, रणबीर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य आदि लोग मौजूद रहे। साइमुल हसन की रिपोर्ट News24HD के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया में चल रहा है चाचा और भतीजे 22 तारीख को एक होने जा रहे हैं, पूरी प्रेस के सामने बोलेंगे। अच्छा, जब बोलेंगे तो पूरी प्रेस। चलो साहब, आज आप आए यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करने, इसके बारे में सब तो आप बोल दो। शोक संवेदना हमारे लेकिन हम लोग साथ साथ रहते थे, तो शोक संवेदना मैंने आए बात हुआ है हम लोगों को है, उनके बेटों को है, और बस हमारी सरकार है, उनकी आत्मा को जानते हैं, और हम सब लोग जैसे हैं परिवार के लोग।